गुड मॉर्निंग HKG क्लास, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करेंगे, ठीक है बच्चों? एवरीवन जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। स्टार्ट। ओ गॉड, एजुकेट आर आईज टू सी यू इन ऑल फेसेस, टू बिहोल्ड यूनिटी ऑफ बिलीव इन ऑल बींग्स। एजुकेट आर ईयर्स टू हियर द गुडनेस ऑफ ऑल। एजुकेट आर टंग टू सिंग प्रेसेस टू दी एंड टू अटर प्लीजेंट लविंग एंड ट्रूथफुल वर्ड्स। एजुकेट आर हैंड्स टू डू चैरिटी एंड सर्व द नीडी। एजुकेट आर माइंड्स टू बी ऑलवेज चीयरफुल एंड कम। ओपन योर आईज, हैंड्स डाउन। आज बच्चों आपकी कौन सी क्लास है? जीके की क्लास है। आज थर्सडे है, आपकी जीके की क्लास है। देखिए आपकी जीके का कवर बुक दिया हुआ है, इसमें पिक्चर में देखिए आप स्क्रीन पर आपके क्या है, जीके बुक का कवर पेज। स्नैप टाइम, इसका फर्स्ट पेज ओपन करेंगे आप, आपको देखेंगे, आपको एक बॉडी, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिया हुआ है, सभी देख रहे हैं यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें आपके आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, टीथ है, माउथ है, लेग्स, चीक्स, लिप्स, शोल्डर, चेस्ट, थाई, लेग, फुट, हील, टो, स्टमक, एल्बो, पाम, नेक, आपकी गर्दन, थंब, आपके हाथ का अंगूठा, फिंगर्स, आप सब जानते हैं फिंगर्स आपके हैंड में होती हैं, हैंड, हैंड में आपने बलून पकड़ा हुआ देखिए इसमें पिक्चर में, हेड, सिर आपका, हेयर, फॉरहेड, फॉरहेड दिया हुआ है, फॉरहेड माथा आपका, ठीक है बच्चों? अभी हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए आपके पिक्चर है माई फैमिली। आपकी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लेसन क्या है? माई फैमिली मतलब मेरी, मेरा परिवार। आपके परिवार में आपकी मम्मा होती है, पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं आपके, लेकिन किसी किसी की फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, जैसे दादा दादी भी साथ में ही रहते हैं, चाचा चाची, ताई जी, ताऊ जी, बुआ जी, है ना बच्चों? जैसे इसमें आपकी मम्मा है, अंकल हैं, दादा दादी दिख रहे हैं आपको, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, आपको आंटी दिख रही हैं, फादर दिख रहे हैं आपके, है ना बच्चों? दिख रहे हैं सबको, कज़न्स दिख रहे हैं, भाई बहन दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या होती है? आपकी पूरी फैमिली होती है। सबको समझ में आ गया बच्चों? फिर नेक्स्ट लेसन पे हम जाएंगे। इसमें दिया है आपका हाउस, माई हाउस। क्या दिया हुआ है? माई हाउस। आपके हाउस में कौन कौन से रूम होते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखेंगे आप, ड्राइंग रूम बना हुआ है। जब आपके कभी फ्रेंड्स आते हैं या रिलेटिव्स आते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? आपके एक रूम होता है जिसमें सोफ़ा लगा होता है, डाइनिंग सेंटर टेबल लगी होती है जिसपे आप उनको नाश्ता सर्व करते हैं, वो आपका होता है ड्राइंग रूम। आपके फ्रेंड्स आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। आगे है बेडरूम, बेडरूम है जिसमें आपका बेड होता है, जिसमें आप सोते हैं, है ना बच्चों? सब कहाँ सोते हो? जहाँ पे आपका बेड लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेडरूम। नेक्स्ट इज मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम होता है, बड़ा रूम होता है वो, एक जिसमें आपके बैठने की भी व्यवस्था होती है, सोफ़ा वगैरह भी लगा होता है किसी किसी के, और बेड भी लगा होता है। नेक्स्ट इज स्टडी रूम, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टडी रूम। किचन, किचन क्या होती है? जहाँ पे मम्मा आपको यम्मी फूड बनाकर खिलाती है, मम्मा आपके लिए यम्मी यम्मी फूड बनाती है, उसे क्या कहते हैं? किचन। टेरेस होता है, आपकी छत होती है जिस पर गमले वगैरह लगे हुए हैं, देखिए आप, ये क्या है? टेरेस। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम क्या होता है? जहाँ पे बड़ी एक टेबल लगी होती है, उसके आसपास चेयर्स लगी होती हैं, जहाँ बैठ के आपकी पूरी फैमिली खाना खाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम।
लॉबी होती है, जहाँ से आपका घर स्टार्ट होता है, वहाँ पर एक छोटी सी गैलरी होती है या छोटा सा रूम जैसा ही होता है, लेकिन वो ओपन होता है, वो लॉबी होती है। ठीक है बच्चों, आया सबको समझ में? नेक्स्ट इज पोर्च। पोर्च क्या होता है? जो आपके घर के बाहर का हिस्सा होता है, जहाँ पर आपकी मोटरसाइकिल वगैरह रखी होती है, या गार्डन भी होता है किसी किसी के, तो उसको हम जहाँ मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं उसको हम पोर्च कहते हैं। ये आपका गेट है, मेन गेट है ये आपका। नेक्स्ट इज बालकनी। घर में आपके रूम ऊपर ऊपर जो सेकंड फ्लोर पर जो रूम बना होता है, उसके बाहर निकलने की जो जगह होती है, जहाँ से आप बाहर देखते हो, उसे कहते हैं बालकनी। गैरेज, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उसे गैरेज कहते हैं। स्टोर रूम, आपके घर का एक्स्ट्रा जो सामान होता है उसे जहाँ रखते हैं उसे स्टोर रूम कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ माय बाथरूम। बाथरूम आप सबके घर में है, आप सब बाथरूम में नहाते हैं। कहाँ नहाते हो आप सब? बाथरूम में नहाते हो। तो बाथरूम में क्या क्या होता है? देखिए, एक मिरर होता है, एक वॉश बेसिन होती है, टूथब्रश और ब्रश रखने का एक ब्रश और टूथब्रश भी आप वहाँ रखते हो, टॉवल टंगी होती है, टॉयलेट सीट होती है, स्लैब बनी होती और सेल्फ बने होते हैं जिसमें आप साबुन वगैरह रखते हो, और हैंड बाथ टब होता है, उसमें हैंड शावर लगा हुआ है इसमें, देखिए आप, जिससे आप इजी गोइंग नहा सकते हो, पानी कहीं भी आप सिर पे हाथ पे कहीं भी डाल सकते हो। ये देखिए आप, टैप बना हुआ है, नल, उसके नीचे बाल्टी रखी हुई है, बकेट, मग रखा हुआ है, स्टूल रखा हुआ है ना बच्चों? सबको दिख रहा है आपके बाथरूम में क्या क्या आइटम्स होते हैं, वो सब इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे। आ रहे हैं बच्चों सबको नज़र? ठीक है, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे हम। फिर है फर्नीचर, कि आपके घर में क्या क्या फर्नीचर होता है। ये देखिए आप, सोफ़ा है, स्टूल है, बेंच है, सेंटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, स्टडी टेबल है, चेयर है, रॉकिंग चेयर है, जिसपे आप एक पीछे आगे हो सकते हो, रॉकिंग चेयर झूला झुलाती है जो आपको एक तरह से। ड्रेसिंग टेबल है, कैबिनेट ड्रॉर्स हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो, डाइनिंग टेबल है, ये देखिए बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी टेबल, अंकल बैठे हैं सोफे पर, सोफ़ा है, बेड है, कबर्ड है जिसमें आपकी मम्मा आपके न्यू न्यू ड्रेसेस रखती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अलमीरा है। अब आपको ये कॉपी वर्क करना है, कॉपी में आपको राइट 8 नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, आपको 8 नेम्स लिखने हैं बॉडी पार्ट्स के, आईज, ईयर, नोज, हेड, लेग, हैंड, नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 8 रिलेशंस ऑफ फैमिली, मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, अंकल, आंट। ठीक है, ये आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। राइट नेम्स ऑफ द रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, गेस्ट रूम। ठीक है बच्चों, ये आपके घर के रूम्स होते हैं। राइट 8 बाथरूम आइटम्स, टैप, मग, सोप, टॉवल, स्टूल, बकेट, बाथटब, वॉश बेसिन, ये आपके क्या होते हैं? वॉश, आपके बाथरूम के आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 8 नेम ऑफ फर्नीचर, आपको फर्नीचर के 8 नेम्स बताने हैं, सोफ़ा सेट, चेयर, टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड, कबर्ड, बेंच, कंप्यूटर टेबल, ये आपके फर्नीचर के 8 आइटम्स होते हैं। आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है और आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे और अपनी मम्मा को सुनाएंगे। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। सेफ रहिए, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए बिल्कुल ही, अभी कोरोना चल रहा है बेटा, आप सबको घर पर ही रहकर स्टडी करनी है। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय 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 बच्चों।